सोलन के दालाघाट में एक 15 वर्षीय छात्रा द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मामले की पुष्टि डीएसपी सोलन अमित ठाकुर ने की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मृतका सीनियर सेकेंडरी स्कूल दालाघाट में 9वीं की छात्रा थी। मृतका के पास एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने अपने परिजनों द्वारा उस पर शक की वजह से आत्महत्या करना लिखा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम करवा के शव परिजनों को सौंप दिया है। डीएसपी अमित ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि दालाघाट पुलिस थाने में एक सुसाइड की सूचना मिली, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। उन्होंने बताया कि मृतिका के शव का पोस्टमार्टम करवा के शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस स्टेशन दाड़लाघाट के अंतर्गत एक 15 वर्षीय छात्रा द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है, जिसमें मृतका गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दाड़लाघाट की 9वीं कक्षा की छात्रा है और दाड़लाघाट की ही रहने वाली थी। मृतका के पास से एक सुसाइड नोट बरामद किया गया है। पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों के हवाले कर दिया गया है और 174 सीआरपीसी के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।